नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में किस तरीके से जितने भी वायरस है उसको किस तरीके से आप हटा सकते हो या डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अनिल पवार और आप देख रहे हैं टेक्निकल पवार स्टडी। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहले आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर इस आइकन पे जाना है विंडो की, ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आप रन डालना है इसमें RUN, ठीक दोस्तों, यहाँ ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा रन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको डालना है दोस्तों क्लीन MGR, ठीक है दोस्तों CLEAN MGR, ठीक है दोस्तों, इसको आपको ओके कर लेना है आपको, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि जब भी आप अपने लैपटॉप में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो सारे इंस्टॉल होते हैं दोस्तों सी ड्राइव में इंस्टॉल होते हैं। तो दोस्तों आपको सी ड्राइव सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और डी ड्राइव में क्या होता है कि जो भी अपने जो फाइल्स वगैरह है वो डाउनलोड करके रखे हो तो, या फिर बाकी कुछ भी और सामान, तो जनरली सी में आपके वायरस रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। इसको आपको ओके कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नया पॉपअप दिखाई देगा नोटिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर पहले से ही कुछ दो क्लिक हो रखे हैं, राइट के निशान हो रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखा रहे हैं डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, इसको ये पहले से यस दिखाई दे रहा है आपको। तो दोस्तों इसको आपको ओके कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर दे रखा है आर यू श्योर यू वेंट टू परमानेंटली डिलीट दीज फाइल, यानी कि कह रहा है कि दोस्तों जब भी आप अपने मोबाइल में जो भी फाइल्स है जो जो वायरस है, ठीक है दोस्तों, उसको डिलीट करना है परमानेंटली, तो आपको डिलीट फाइल्स पर आपको क्लिक कर देना है, वो कुछ सेकंडों में आपका कंप्लीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये पहला ट्रिक है। तो दोस्तों दूसरा ट्रिक आपको बता देता हूं, तो दोस्तों दूसरा तरीका आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आपको विंडो आर क्लिक करना है, तो दोस्तों वो रन फाइल आ जाएगी, या फिर आप इस पर क्लिक करके, ठीक है दोस्तों, आर यू एन डालना है, ठीक है, इस पर ओके ओपन कर देना है आपको। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहां पर आपको टाइप करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आपको टाइप करना है दोस्तों पी आर ई एफ ई टी सी एच, ठीक है दोस्तों, इस पर टाइप करना है और आपको ओके कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर आपको कितनी सारी फाइलें दिखी है, जो कि कितने सारे इन्हीं फाइलों से क्या होता है दोस्तों वायरस, ये काफी वायरस है इनमें, तो दोस्तों इन फाइल्स को आपको डिलीट कर देना है। तो दोस्तों इनको पूरे को कंप्लीटली आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों, जितने भी आपकी फाइल है इस इन्हीं फाइल से आपके मोबाइल अपने लैपटॉप में, ठीक है दोस्तों, जो भी वायरस है वो रहते हैं, तो इसको क्या करना है आपको डिलीट कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों ये है, डिलीट हो रही है। तो इस तरीके से आपको डिलीट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर एक फाइल रह गई है, तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग में है, वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, आपको फिर से आपको यहां पर जाना है, तो आपको रन टाइप करना है, ठीक है दोस्तों, इसको ओपन कर लेना है, और दोस्तों आपको यहां पर टाइप करना है दोस्तों ट्री टी आर डबल ई ट्री। टाइप करने पर क्या होता है कि दोस्तों जो भी जंग फाइल है आपकी, इसमें सेकंडों के अंदर आपके एक ब्लैक सा शो करेगा आपके आपकी स्क्रीन पर, तो वो तुरंत ही जितनी भी ईएक्सई फाइल है वो बाय डिफॉल्ट ही तुरंत ही डिलीट हो जाएगी, सारा वायरस इसमें डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम ओके कर देते हैं, आपके कुछ सेकंडों में ये कंप्लीट काम हो जाता है दोस्तों, जितने भी आपके लैपटॉप के अंदर वायरसेस है वो डिलीट हो जाते हैं दोस्तों कुछ ही सेकंडों में, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों ये आपका जो भी वायरस है वो 80% या 85% आपका इसमें जो भी वायरस है वो डिलीट हो गया है कम्प्लीटली। अब आपको 100% वायरस डिलीट करना है। तो दोस्तों जैसे कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर कहीं पॉपअप आ जाता है, ज्यादा कॉपी बन जाती है, तो ऐसे के लिए क्या करना है आपको, गूगल क्रोम पे जाना है। तो गूगल क्रोम पे जाने के बाद में आपको सर्च करना है दोस्तों मालवेयर बाइट्स, डालते हैं माल, WARE यहां पर, ठीक दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर मालवेयर बाइट सॉफ्टवेयर आपको सर्च करना है। और दोस्तों यहां पर जो दिखाई दे रहा होगा यहां पर डाउनलोड मालवेयर बाइट एंटी मालवेयर फ्री लेटेस्ट वर्जन, ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से शो होना शुरू कर देगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर नीचे जाना है इसके, तो यहां पर दिखाई दे रहा है फ्री डाउनलोडेड, तो इसको आप क्लिक कर लेना है। तो यहां पर वो डाउनलोड होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद में आपको किस तरीके से शो करेगा दोस्तों, यहां पर ये दिखाई दे रहा है ये आइकन, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको शो कर देगा। तो दोस्तों इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है दोस्तों। ओपन करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और दोस्तों इसमें आप इसको फ्री ट्रायल यानी कि 40 डेज तक आप यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको अपने जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है इसको स्कैन करना है तो यहां पर आपको स्कैन पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका जितना भी है वायरस वो स्कैन स्टार्ट जो निकालना शुरू कर देगा, ठीक है दोस्तों। वायरस है वो जितने भी वायरस है वो डिलीट होने शुरू कर देगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर चेकिंग फॉर अपडेट पहला स्टार्ट हो गया, ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट होने की प्रोसेस में है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को एंटीवायरस इंस्टॉल करके आप या मालवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को एंटीवायरस की मदद से वायरस मुक्त कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।